हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जिसे आप इडली, डोसा, उत्तप्पा आप सभी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मिक्सर का जार। यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार ले लिया है। इसमें मैंने कुछ पतले स्लाइस में कट किए हुए नारियल डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और यहाँ पे मेरे पास कुछ पीनट्स है, जिसे मैंने भून के उसके छिलके निकाल लिए हैं। पीनट्स को डालकर इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका महीन पेस्ट एकदम बनाकर रेडी करेंगे। देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब हम इसके चौके की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे राई, सरसों के दाने चटक जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली और इसमें ऐड करेंगे करी पत्ते। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने नारियल का पेस्ट बना के रेडी किया था। अच्छे से इसमें डाल के मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। आप तड़के को डायरेक्टली नारियल की चटनी पर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसे पकाया है। देखिए, तैयार है हमारी नारियल की चटनी। आप इसे एंजॉय करिए इडली, डोसे, उत्तप्पम के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।